बिहारीगंज श्रृंगारचौरी में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर हुए फरार। मकान मालकिन एक दिन के लिए अपनी बहन से मिलने गई थी रामगंज, पीछे से चोरों ने घटना को दिया अंजाम। अलवरगेट थाना इलाके के बिहारीगंज श्रृंगारचौरी क्षेत्र में सूने मकान से लाखों के सोने के जेवरात और नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता बुजुर्ग महिला अपनी बीमार बहन से मिलने एक दिन के लिए रामगंज गई थी और जब वापस लौटी तो पता चला चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। सूचना के बाद अलवरगेट थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। बैरगंज अजमेर निवासी श्रीमती राज सोनी ने बताया कि वे अपनी छोटी बहन के बीमार होने पर उससे मिलने के लिए रामगंज गई हुई थी। आज सुबह जब लौटी तो देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। अलमारी से 10 सोने के सिक्के, 4 सोने की चूड़ियाँ, 1 सोने की चैन, 8 सोने की अंगूठी, 6 जोड़ी सोने के टॉप्स, 5,000 मूल्य की चांदी व 40,000 की नकदी चोर चुरा कर ले गए। चोरी हुए सोने के जेवरात करीबन 19 तोले के थे, जो कि बेटे विंग कमांडर विकास सोनी की पत्नी तथा पुत्र वधु डॉक्टर प्राची को देने के लिए रखे हुए थे। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है, साथ ही आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले हैं और छानबीन शुरू कर दी है। मेरी सिस्टर बीमार थी, इस समय मैं अकेली हूँ क्योंकि बच्चे बाहर गए हुए हैं, तो मैं उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो मैं उसको देखने गई थी और मेरे पास कैश था, जो मेरा जेवर था वो यही था। दो दिन मेरे को रुकना पड़ा क्योंकि बीमारी के कारण। मैं तीसरे दिन आई तो मेरे सारे लॉक टूटे हुए थे, बाहर का दरवाजा खोला हुआ था, गेट जो मेन है उसका लॉक लगा हुआ था, उसको मैं खोल के अंदर आई और बाकी ताले तोड़ के उन्होंने यहाँ नीचे फेंके हुए थे। अंदर वही जो अलमारियां थी वो सारी बिखरी पड़ी थी और उनके लॉक गोदरेज के लॉक हैं वो काटे हुए थे सारे। और मैं फिर मेरे को ये नहीं रहा, जितना मेरे पास कैश था, नए नोट थे, गड्डियां 100-100 की, 50-50 की, करीब 3,500 रुपया मेरा, 3,500 के वो दो गड्डियां 20,000 और 5-5 के दो थे, 3,500 मेरा गया, 30,000। और उसके अलावा मेरे जितना जेवर था, आप मानो 8-10 तो अंगूठियां थी, कानों के थे और 8-10 ही वो थे, और उसके अलावा पायाई जेब थी चांदी की, और मेरे एक दो सेट शादी के थे, वो मेरे को अब अंदाज नहीं कितने तोले के थे, मैं नहीं जानती हूँ, पर वो भी गए उसके साथ। और इसके अलावा सोने के सिक्के थे मेरे पास 10, जो बचत योजना के मिलते हैं जैसे, वो थे, और 20 पता नहीं 25 चांदी के, पहले सोने के नहीं, वो चांदी के प्योर चांदी के वो सिक्के थे, मैं लक्ष्मी पूजन वगैरह के लिए वो रखे हुए थे, मेरे हस्बैंड ने तब के थे, वो भी उन्होंने ले लिए। कुछ भी नहीं है अब, इसका मतलब एक लॉन्ग भी नहीं छोड़ी उन्होंने, और जितना कैश था वो भी ले गए, इसके अलावा कुछ भी उसमें मैं नहीं छोड़ा। अभी तो सामान खाने पीने का भी ले गए, वो एक दो चीजें तो खाने पीने का, जैसे जो चोरों ने जो रेकी करी है, तो क्या घर पे उसमें कोई भी था या आसपास में कैमरा लगा हुआ था आपके? कैमरा गली में है बस, वहाँ इधर भी हाँ, उसमें पता नहीं आया कि नहीं, ये लोग गए थे देखी अलवर गेट, लगभग कितना तोला सोना होगा? मेरा ख्याल 18-19 तोले, 19 तोले से तो कम नहीं है। हाँ, कोई केस कितना होगा? कैश मैं बता रही हूँ 30-35 हज़ार के करीब है, क्योंकि मैंने पूजा के भी जो नोट रखे थे वो अलग रखे हुए थे, उस गले को भी खाली कर गए वो, और चांदी के जितना पूजा के बर्तन थे दूसरे थे सब वो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। मतलब हाँ ये है कि कपड़े वगैरह कीमती भी थे, कपड़ा कोई नहीं उन्होंने उठाया, फेंक गए वो यहाँ। मेरे को किस पे शक है? मैं तो अपना घर ही, यहाँ मेरे देवर हैं दोनों रहते हैं, अब इतनी दूर नहीं गई इनको आवाज, नहीं तो कोई ऐसे थोड़ी, मेरे को उसी समय सूचना कर देते आवाज आ रही, ये भैया आया तो इनका भी कमरा दूर है। हाँ मौके पे क्या, मैं जब आके अब पता नहीं उसने एक दिन पहले खोला कि दो दिन पहले खोला, हाँ फिर आई, पर अब वो कह रहा मैं आऊंगा फिर दोबारा इंक्वायरी करने, अभी तक तो आई नहीं। आपका नाम बताइए? मेरा नाम राज सोनी है, मैं तो यही रहती हूँ ना, ये 5वीं गली बिहारीगंज।